सो बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। फाइनली सेंट्रल बैंक की तरफ से नई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। सेंट्रल बैंक के साथ साथ SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज भी आई हुई है। मैं दोनों आपको नोटिफिकेशन इसी वीडियो में बताने वाली हूँ वन बाय वन। वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बेसिकली इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुकी हूँ। सेंट्रल बैंक की नई वैकेंसीज आ गई हैं, इसी के साथ साथ SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दोनों नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। दोनों का एक एक करके आपको समझाऊंगी, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पोस्ट कौन कौन सी है, पोस्ट वाइज सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपकी कैसे होने वाली है। सो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पर वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसके लिए हमारी जो ऑफिशियल साइट है glory.com, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हमारी साइट को सीधा आप गूगल पे टाइप कर पाए, आपको पहली नंबर पे साइट मिल जाती है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा बात करेंगे लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसमें एक नोटिफिकेशन आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक आ चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों के लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। आपको मैं दोनों नोटिफिकेशन का एक एक करके समझाऊंगी, क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन कैसे होनी है। SBI का जो नोटिफिकेशन आया ना, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपने दो काम जरूर करने हैं, पहली चीज़ आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ कमेंट जरूर करना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलता है, कोई घाटा नहीं होता। आपके नियर बाई जो भी पोस्ट आती है, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कर पाती हूँ, ठीक है, ताकि आपके आपको भी बेनिफिट मिल पाए, ऐसी वैकेंसी जिसका आपको पता भी नहीं चल पाता है। सेकेंड, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। तो फिलहाल बात करें हम लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसमें पहला जो नोटिफिकेशन है SBI का है। इसी के साथ देखिए पोस्ट ऑफिस और रेलवे, ये दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं, ये दोनों वीडियोस इसके बाद आएंगी हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मीत शर्मा। मीत शर्मा चैनल यूट्यूब में लिखना, आपको पहले नंबर में मिल जाएगा। फिलहाल बात करिए हम पहले नोटिफिकेशन की, जो कि SBI का है, देन आपको सेकंड बताऊंगी जो सेंट्रल बैंक का है, ठीक है। SBI का जो नोटिफिकेशन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड अप्लाई करने का नहीं है, अप्लाई यहाँ पे शुरू हो चुका है, एज सून एज पॉसिबल आपको अप्लाई करना होगा। देखिए इन वैकेंसीज में चाहे आप अनडिजर्व कैटेगरी से है, चाहे रिजर्व कैटेगरी से है, मतलब चाहे आप जनरल OBC EWS SC ST या कोई अदर कैटेगरी से है, आपको कोई फी पे यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपसे चार्जेस भी नहीं लिए जा रहे हैं, मतलब कोई फी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ना कोई एग्जाम है। यहाँ पे सीधा मेंशन भी किया हुआ है, कोई भी चार्जेस इस अपडेट के लिए आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, ये जो अपडेट SBI की तरफ से आया है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है, आप इंडियन सिटीजन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज मिनिमम 18, मैक्सिमम अगर आपकी 50 के अराउंड भी है तब भी आप यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट IT डिप्लोमा एनीवन कैन अप्लाई। ये पहला नोटिफिकेशन अभी डिस्कस करें, उसके बाद सेंट्रल बैंक का बताऊंगी, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम बात करें, ये आपके इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए आई हुई है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपके इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन हो रही है, कोई एग्जाम नहीं है। सैलरी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग अर्न कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई फिक्स सैलरी, आप बैंक में बैठे आपको फिक्स सैलरी मिल रही है। अर्न करने वाले मंथ के यहाँ पे 80,000 तक अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका पोटेंशियल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म दिया है, सिंपल क्या करना है, आपने नेम लिखना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद अपना ईमेल आईडी के बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर मांगेगा तब, अदरवाइज कैप्चा को डाल के सबमिट कर देना, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
इधर आपको देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया इसके बारे में। इसमें आप खुद के बॉस रहने वाले हैं, कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ऐसे आपको इसके लिए जो है वो अप्लाई देखिए कर लेना होगा, ठीक है। इस वीडियो को चेक कर लेना, ये अप्लाई का लिंक मिलता है, ये नोटिफिकेशन का, ये तो है पहला नोटिफिकेशन। चलते हैं सेकेंड पे, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, जिसमें ये जो वैकेंसीज है आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो फीमेल हो दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए, दोनों यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन नियर बाय ही रहेगी। यहाँ पे टोटल जो है 3000 वैकेंसीज है जो यहाँ पे आउट हुई हैं, ठीक है। हर कोई आप में से यहाँ एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ कर सकता है, एलिजिबिलिटी में सब कुछ यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लिए आपकी क्या क्या अदर चीज़ें चाहिए, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, आपकी जो मिनिमम एज है 20+ है, ठीक है, अप्लाई करें, मैक्सिमम 30 या 28 के अराउंड है, प्लस रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है इसमें। लेकिन ये जो वैकेंसीज आई है सेंट्रल बैंक की, इसमें आपका एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी 3000 पोस्ट के लिए यहाँ पे आई हुई है, इसके लिए एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकती हैं। आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट की है, आप यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है ना, इसके लिए अगर हम यहाँ पे स्टेफन की बात करें या सैलरी की बात करें, वैसे स्टेफन ही आप इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आई हुई है 3000 अप्रेंटिसशिप के लिए आई हुई है, चाहे आप रूरल एरिया के लिए कर रहे हो चाहे अर्बन एरिया के लिए कर रहे हो, आपके 15000 यहाँ पे स्टेफन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन की फी वगैरह वो आप सारा यहाँ पे रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ऑनलाइन रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे होगा, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड है वो सारा कुछ लिखा है। बाकी आपको ना, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपने नियर बाय अप्लाई करना, क्योंकि ये आपसे लोकल लैंग्वेज का प्रूफ मांग रहा है कि आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अप्लाई इन वैकेंसीज के लिए आपको ज़रूर से कर लेना है। अब देखिए मैंने ना आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, पहला दिया है SBI का, सेकंड है सेंट्रल बैंक का। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपने सबसे पहले देखिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाए। आपकी लोकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन कमेंट ज़रूर करना, ताकि नियर बाई जो भी वैकेंसी आती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लेकर आ पाऊँ, ठीक है। हमारे चैनल पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन के साथ प्रोवाइड की जाती है। अगर नीड होती है तो मैं आपके लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो भी ज़रूर लेकर आती हूँ, वो भी आपकी डिमांड बाई, ठीक है। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। सोशल मीडिया पे फॉलो करना, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा, इसको भी जाके सब्सक्राइब करना। जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस और रेलवे की नई वैकेंसी आ गई है, इसके बाद ये दोनों वीडियोस हमारे सेकेंड चैनल पे आने वाली है, जाके सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।